काम करेंगे पूरे राम, राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे राम, देश हित में करेंगे काम, काम करेंगे। जब हम अपना अधिकार के लिए बैठे थे धरने पे, कोई ऐसा काम भी नहीं कर रहे थे गलत के, जिससे प्रशासन को हमारे ये वो होना पड़ा। लेकिन हम बैठे, उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है, हमारे और ड्राइवर हैं उनके साथ भी मारपीट करी है, मेरे को भी घसीटा है सर, जो पूरे घसीटा है उधर तक ले गए हैं, कुत्ते जैसी बर्ताव करा सर हमारे साथ। हम ये चाहते हैं तीन तीन महीना हमारा वेतन रोक देते हैं सर, हमारे बच्चे उधर भूखे बैठे हैं सर, हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं सर, तीन तीन महीने किराए वाले का किराया नहीं दिया सर, क्या होगा साहब। पुलिस ने जबरदस्ती भी की आपके साथ? हाँ, जबरदस्ती भी करी है सर इन्होंने, इन्होंने खजूरा खजूरी भी करी है उधर तक, हमको अधिकारियों ने भी मारपीट करी है सर, लाते भूसा मारी है, क्या है बताओ सर। क्या नाम है आपका? मेरा विनय कुमार नाम है सर। आज जो है किस तरह का नगर निगम के कुछ सफाई कर्मी है, लगभग 450 कर्मी ऐसे हैं जो स्थायीकरण की मांग को लेकर के और पूर्व में जो उनका वेतन भुगतान नहीं हो उसको लेकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नगर निगम के अधिकारी उनका वेतन भुगतान करने को तैयार हैं, लेकिन इनकी कुछ और मांग भी थी जिस पर से इन्होंने आज यहाँ जो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ निकलती हैं सुबह, उनको नहीं जाने दिया, उनके आगे विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस पर से अभी पुलिस ने आकर के इनको मौके पर से हटाया है और इस संबंध में शासकीय कार में बाधा पहुँचाने का एक आवेदन भी नगर निगम द्वारा प्राप्त हुआ है हमको। चल रही थी किस तरह से, क्या ये पूरा रहा है और अभी जो आंदोलन इन्होंने किया था क्या रहा? ये इको ग्रीन के कर्मचारी जो 11 तारीख से हड़ताल पे थे, इन्होंने परसों भी काम रोकने की कोशिश की थी, उनको समझाइश दी थी। आज इन्होंने हमारे तीनों डिपो कार्यालय में जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं उनके डोर टू डोर गाड़ियाँ भी नहीं निकलने दी थी, तो पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से उनको यहाँ से हटाया जाकर हमने अपने वाहन यहाँ से निकाले हैं। अब इसके बाद दो डिपो में और हैं, इसके बाद जाके वहाँ भी देखते हैं क्या स्थिति। कोई समाधान निकला है इन लोगों से बातचीत का? इसे जब से ये हड़ताल में गए थे, इससे पहले भी इनके जो प्रतिनिधि थे उनसे निरंतर संवाद हो रहा था, अभी तीन दौर की वार्ता भी हम लोग इससे कर चुके थे। निगम का अपना पक्ष उनको बहुत ही स्पष्ट बता दिया गया है। अब उनकी जो मांग है, बहुत सारे बिंदु ऐसे रहते हैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है, तो सक्षम अथॉरिटी के सामने जाएंगे, वहाँ डिसाइड होगा। वेतन की जो प्रारंभिक मांग है, वेतन देखिए जब तक एजेंसी नहीं थी तब तक निगम उनको वेतन दे रहा था और एजेंसी को हमने इनको हैंडओवर कर दिया है, उसके बाद से एजेंसी के थ्रू ही वेतन जा रहा है। एजेंसी की कुछ लाइबिलिटीज रहती है, जैसे उसको सैलरी के साथ श्रम कानून के तहत जो ECI EPF देना रहता है उसके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो इन कर्मचारियों द्वारा वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। हमने पहले भी इनके जो प्रतिनिधि हैं उनको बताया है कि आप वहाँ डॉक्यूमेंट दे दें तो उनका सैलरी का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।